Welcome to the video solutions of previous year questions which have been asked in NEET and AIIMS by Nivedita class. If you like these videos, please subscribe us, please like our videos and share it among your friends. ये जो question है, ये NEET 2 2016 में पूछा गया था. But our question says, two cars P and Q start from a point at same time in straight line and their positions are represented by XPT is equal to AT plus BT square and XQT is FT minus T square. Now we have to find at what time do the cars have same velocity. ठीक है, position दिया गया है, position से velocity निकालनी है. इस चीज को ध्यान रखिए, जब position दिया गया होगा उससे velocity निकालनी होगी तो हमें derivative लेना पड़ेगा with respect to T. वेलोसिटी दिया गया होगा, एक्सेलरेशन निकालनी होगी तो हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी. एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और वेलोसिटी से अगर मुझे पोजीशन निकालनी है तो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी. ये बात आपको ध्यान रखनी है, और कैसा भी मोशन, इट्स नॉट कि सिर्फ हमें वन डायमेंशन मोशन दिया गया हो, 2D हो, 3D हो, सर्कुलर हो, रैंडम हो, जो मर्जी मोशन हो, ये आपका जो फॉर्मूला है, ये जो मैंने आपको रिलेशन बताया, ये सदा ट्रू होगा. और ये रिलेशन कब यूज करना है, जब हमें रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया गया हो. बहुत बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें जो रिलेशन दिया गया होता है वो वेलोसिटी और पोजीशन का दिया होता है या एक्सेलरेशन और पोजीशन का दिया होता है. उस केस में कैसे करना है, उसमें विद रिस्पेक्ट टू टी हम डेरिवेटिव नहीं लेते या विद रिस्पेक्ट टू टी हम इंटीग्रेशन नहीं करते, हम वहां विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो इंटीग्रेट करते हैं. एक और फॉर्मूला है विच इज ए इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाय डी एक्स. ठीक है, तो जब एक्स की टर्म्स में हमें दिया हो फॉर्मूला तो ये वाला लगाएंगे, जब हमें रिलेशन किसकी टर्म में दिया हो, एक्स की टर्म में, और अगर हमें रिलेशन दिया है टी की टर्म में तो ये इसको यूज करेंगे. यहां पे हमें जो रिलेशंस दिए गए वो टी की टर्म में दिए गए हैं, टी की टर्म में दिए गए हैं, और हमें पोजीशन दिया है, वेलोसिटीज का रिलेशन हमें दिया है. तो पोजीशन से पहली बात तो वेलोसिटी निकलती कैसे है, डेरिवेटिव से. तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है कार पी की तो वो होगी डी एक्स पी डिवाइडेड बाय डी टी, और इसी तरह से मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी है क्यू कार की तो वो होगी डी एक्स क्यू डिवाइडेड बाय डी टी. ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या इक्वल है, डी एक्स पी डिवाइडेड बाय डी टी जो है ये मेरा डी एक्स क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, ये दोनों बराबर है. ओके, तो देखिए सबसे पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू टी हम डेरिवेटिव लेंगे. विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस टू बी टी. इसी तरीके से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ माइनस टू टी. यहां से पूछा क्या गया, टाइम पूछा गया, तो टी की वैल्यू निकाल दीजिए, टी की टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टू बी टी प्लस टू टी इज इक्वल टू एफ माइनस ए. ठीक है, या हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू एफ माइनस ए डिवाइडेड बाय टू बी प्लस टू. ठीक है, देखिए कौन सा आंसर मिलता है, एफ माइनस ए, ये वाला. ठीक है ना, इसमें ये टू कॉमन लिया है आंसर में, बाकी सब सेम है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर.